अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साथियों, आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी खबर आ रही, क्योंकि साथियों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कतर में कोरोना वायरस आने की वजह से, यानी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आने की वजह से हर मुल्क के हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गए थे। पर दोस्तों, कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो खबर दोस्तों निकल कर आ रही है कतर के एयरवेज़ की तरफ से, कतर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ से। जितने भी कतर में एयरवेज है, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उनकी तरफ से दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो खबर क्या है पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, वीडियो मेरे साथ बने रहिएगा। कतर सीज राइज इन ट्रेवलर एयरक्राफ्ट मूवमेंट इन जुलाई। दोस्तों, जुलाई के महीने में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ट्रैवलिंग देखने को मिला है। ट्रांसपोर्ट स्टेटिक्स जुलाई 2023, यानी जुलाई के महीने में 2023 में काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे आने जाने का सिलसिला दोस्तों जारी रहा। कतर सिविल एविएशन अथॉरिटी, जिसे QCA कहा जाता है, उनके तरफ से दोस्तों ये बताया गया कि लगभग 24.3% की बढ़ोतरी दोस्तों 2022 के मुकाबले 2023 में इस बार देखने को मिली है। यानी जुलाई के महीने में, साथियों मान के चलिए कि जो पिछले साल 2022 का जुलाई का महीना था, उससे इस साल के जुलाई के महीने में 24% की बढ़ोतरी दोस्तों देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि पैसेंजरों की दोस्तों जो संख्या है लगभग 4.3 मिलियन, यानी दोस्तों लगभग मान के चल सकते हैं कि 43 लाख लोग वहां पे सफ़र किए हैं 2022 के 2023 के मुकाबले। दोस्तों 2022 में लगभग 3.4 मिलियन, यानी लगभग 34 लाख लोगों ने सफ़र किया था, वहीं पे साथियों इस बार जो है 43 लाख लोगों ने सफ़र किया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले दोस्तों लोगों की आने जाने की दोस्तों जो मात्रा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। वहीं पर एयरक्राफ्ट मूवमेंट, यानी दोस्तों फ्लाइट के बारे में बात करूँ, तो लगभग 20.1% की फ्लाइट दोस्तों बढ़ोतरी देखने को मिली है पिछले साल के मुकाबले इस साल में। यदि साथियों पिछले साल के बारे में बात करूं, तो पिछले साल लगभग 18,812 एयरक्राफ्ट मूवमेंट देखने को मिली थी, यानी 18,812 फ्लाइटों को देखने को मिली थी। वहीं पे इस साल 22,598 फ्लाइटों का इस्तेमाल किया गया लोगों को आने के लिए जाने के लिए। तो दोस्तों इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा लोगों ने इस साल सफ़र किया पिछले साल के मुकाबले। तो दोस्तों ये पूरे डाटा जो है वो एयरवेज की तरफ से, DCA की तरफ से दोस्तों जारी किया गया। अगली खबर की ओर साथियों चलते हैं। अगली खबर दोस्तों कतर के आमिर की तरफ से। दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे ये फोटो आप देख रहे हैं, ये कतर के आमिर है, इनको तो खैर बाखूबी अच्छे से पहचानते ही होंगे। तो कतर के आमिर की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन किया गया, यानी बधाइयां दी गई है किसे, आमिर सेन कॉन्ग्रेचुलेशन ऑफ प्रिंस ऑफ अंडोरा। साथियों अंडोरा के जो वहाँ के प्रिंस है उनको बधाइयाँ दी गई। तो कतर के जो आमिर है शेख तमीम बिन अल थानी साहब, उनके तरफ से जो इमिनेंस ऑफ जो प्रिंस ऑफ प्रिंसिपलिटी ऑफ अंडोरा के जो हैं उनको बधाइयाँ दी गई, क्योंकि साथियों वहाँ पे कंट्री में इंडिपेंडेंस डे था, यानी एनिवर्सरी ऑफ इस कंट्री इंडिपेंडेंस डे आज़ादी के दिन था, जिसके वजह से वहाँ पर बधाइयाँ दी गई। तो दोस्तों ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। कोई भी सवाल हो आपके मन में, कोई जानकारी चाहते हो, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलती दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद एंड टेक केयर।